हेलो फ्रेंड्स, और एक नाबड़ी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 इस बार इंडिया में हो रहा है और इंडिया के ओडिशा का कलिंग स्टेडियम और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हो रहा है। तो आज होगा 4 मैच। तो ये जो 4 मैच हो रहा है उसमें से एक मैच है इंडिया वर्सेस वाल्स के बीच, जो कि शाम की 7 बजे मैच खेला जाएगा कलिंग स्टेडियम में। तो मैं आपको इंडिया वर्सेस वाल्स की जो मैच होगा इसमें हेड टू हेड बारे में बताने वाला हूँ। कौन सा टीम कितना मैच खेला है, कौन सा टीम कितना मैच जीता है, कितना मैच हारा है, कितना मैच ड्रा में खत्म हुआ है, उसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे और उसके ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो देखा जाए तो इंडिया और वेल्स के बीच अब तक 3 मैच हुआ है और ये जो 3 मैच हुआ है तीनों की तीनों मैच इंडिया ने जीता है, वाल्स ने ये 3 मैच हार गया है। तो पहला मैच इंडिया और वाल्स के बीच 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में हुआ था, जिसमें इंडिया ने 3-1 गोल से वाल्स को हराया था। दूसरा मैच हुआ था 2018 में और इस मैच में इंडिया ने 4-3 गोल से वाल्स को हराया था। तीसरा मैच हुआ था 4 अगस्त 2022 को, ये कॉमनवेल्थ की गेम था जिसमें 4-1 गोल से वाल्स को इंडिया ने हराया था। तो देखा जाए तो वाल्स से बेटर है इंडिया हॉकी टीम। तो हॉकी में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अंतिम क्षण में भी रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है। तो आज एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, ऐसे हम आशा कर सकते हैं। तो ये थी वाल्स वर्सेस इंडिया के बीच जो मैच होगा उससे पहले हेड टू हेड के बारे में सूचना मुझे लगा आप लोग के साथ भी शेयर करना जरूरी है, इसीलिए वीडियो बना दिया। मुझे लग रहा है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा, हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।